हजारों सालों से ब्राज़ील में उगने वाला ये नट 400 साल पहले पोर्चुगीज़ भारत लेके आए और सदियों से गोवा के लोगों की जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है, चाहे वो काजू का फल हो, उसके पेड़ के पत्ते हो या काजू का ये सीड, जिसके प्रोडक्शन में आज भारत दुनिया में सबसे नंबर वन पे है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं दूध इस काजू का। नमस्ते, मैं मुद्रा। और मैं हूँ माधवी। आज के कैशियन मिल्क के लिए हमें ज़रूरत है पानी की और कैशूज़ की। हमने 1 कप कैशूज़ रात भर भिगोए हैं, लेकिन चाहिए तो आप इसे 4-5 घंटे भी भिगो सकते हैं। आप देखेंगे कि ये ऐसे फूल जाते हैं, माने ये रेडी है ब्लेंडिंग के लिए। तो अब हम इन्हें ब्लेंडर में पानी के साथ ब्लेंड करेंगे। हमारे इंग्रेडिएंट्स को स्पॉन्सर किया और हम तक पहुंचाया है गेट मोक्षा ने, जहां से आप भी भारत भर में कहीं भी क्रूल्टी फ्री और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स घर बैठे मंगा सकते हैं। तो आपको जिस तरह की थिकनेस चाहिए उसके मुताबिक आप पानी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए दही जमाने के लिए तो पानी कम डलेगा, और अगर कॉफ़ी या चाय के लिए चाहिए थोड़ा पतला चाहिए तो पानी थोड़ा ज़्यादा। लेकिन पहले हम कम पानी डाल के इसको थोड़ा पल्स करेंगे ताकि ये अच्छे से बारीक हो जाए। काजू का दूध हमारा रेडी है। काजू के दूध की सही कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए आप 1 कप काजू के लिए 2 कप पानी तक उसमें मिला के ब्लेंड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा काफ़ी पतला हो जाएगा और उससे कम लिया तो वो गाढ़ा होगा, जो कि आप, जैसे माधवी ने आपको कहा कि दही के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि हम प्लांट बेस्ड मिल्क की रेसिपीज आपको दिखा रहे हैं, कैशू मिल्क का एक एनवायरमेंटल एडवांटेज आपको बताना ज़रूरी है कि इसके जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो बहुत ही कम है, और इसका वाटर फुटप्रिंट जो है वो भी डेयरी के मिल्क के मुताबिक बहुत ही कम है। जैसे कि 1 लीटर कैशू मिल्क के पीछे 288 लीटर्स पानी खर्चा होता है, और अगर आप गाय के मिल्क से कंपेयर करें तो वहाँ पे 1020 लीटर्स पानी खर्चा होता है, और बफेलो मिल्क के लिए 1900 लीटर्स पानी खर्चा होता है। तो आप इसका वो बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे, और आप एक अच्छा डिसीजन लेंगे अगर आप प्लांट बेस्ड मिल्क बनाते हो तो। तो आप देखेंगे कि 1 कप कैशूज से हमें कितना मैक्सिमम दूध मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 कप कैशू से हमें तकरीबन 600 ml कैशू मिल्क मिलता है, और कैशू मिल्क के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, और बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें अच्छे मिनरल्स हैं जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो सेहत के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे वीडियो के स्पॉन्सर हैं द पॉलिनेशन प्रोजेक्ट, एक ऐसी संस्था जो साधारण लोगों में असाधारण सोच को उड़ान देके उन्हें समाज में एक चेंज मेकर बनने की सहायता कर रही है। द पॉलिनेशन प्रोजेक्ट के बारे में और जानिए उनकी वेबसाइट पे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और करते रहिए थिंक थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव।